अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम बच्चों और बड़ों का भी इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। आज हम एक बहुत और कई बहुत अहम बातें देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ मेरे सामने कुछ इंटरेस्टिंग सा शरबत है और मुझे आपको सिखानी एक बहुत अहम बात। लेकिन वो बात सिखाने से पहले हम एक गेम खेलेंगे और वो गेम में जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसको एक शरबत मिलेगा और जो भी उसमें पास होगा उसे कार का स्टिकर मिलेगा। कार का क्यों, उसकी भी वजह है। और गेम क्या है सुनिए, और उसके बाद में मैं कुछ सिखाने भी वाला हूं इंशाल्लाह। गेम ये है कि ये आपका पैड है ना, ये आपको अपने सर पे रखना है और बैलेंस करके यहां से लेके यहां तक आना है। आ सकते हैं? हाँ। जो करेंगे उनको शरबत, चाहे पास हो या फेल हो। अगर आपका गिर गया तो भी शरबत तो आपका है, लेकिन अगर यहां तक बिना गिरे आ गए तो इंशाल्लाह एक कार का स्टिकर। स्टार्ट, कौन फर्स्ट जाना चाहेगा? मैं। जाओ। हम जाएंगे। अभी सेकंड के लिए हाथ उठा रहे, रुको। हम जाएंगे। Your start, समरा। Let's see के समरा पार कर पाता है या गिर जाता है उसका पैड। हाँ? Yes. Yes. Very good, mashallah. Here is your sharbat and here is your sticker. Come next. जाओ। अच्छा तुम जाओ, नहीं तुमने कहा ना शायद, किसने कहा था? ओके जाओ, आ जाओ। यह इज योर स्टिकर, आपकी फेवरेट कार। बाद में बड़ा उसे चिपका देता। ओके, यूसरा कर पाती है या नहीं कर पाती है, लेट्स सी। हाँ, और ऑलमोस्ट हो गया एंड इट्स डन, माशाल्लाह, वेरी गुड। आ जाओ जल्दी, कौन नेक्स्ट है? जाओ। ये है आपका शरबत और ये है आपका, कौन सा स्टिकर चाहिए बताओ? मेरा वाला तो चिपक ही नहीं रहा। बाद में चिपका लीजिए। आगे से यहां से लेके यहां तक। चलो स्टार्ट। यस हना स्टार्टेड। देखते हैं उसका पैड उसकी स्काफ के ऊपर से स्लिप तो नहीं हो रहा है। और हना ने पार कर लिया। यस, हियर इज योर शरबत। एंड यस, कौन सा स्टिकर चाहिए, ये वाला? यस, वेरी गुड। हाँ स्टार, मैंने तो ये समझा नहीं, ये मिलेगा। और अभी जा रहे हैं उर्वा। स्टार्ट उर्वा। उर्वा कम ऑन, यस वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दो, गिरने ना दो। हो रहा है, हो गया। वेरी गुड, चारों बच्चों ने कर ली, क्या बात है। हाँ, चारों के चारों बच्चों ने माशाल्लाह ये टेस्ट पार किया। अब सीखने की बात। चलिए शरबत, शरबत पीने में खाने पीने के आदाब याद रखिए। हाँ, और मुझे लास्ट में मिल रहा है बिस्मिल्लाह। पीने से पहले बिस्मिल्लाह बोलने का। बिस्मिल्लाह कितने सिप्स में ब्रीदिंग इनसाइड करेंगे? 3। एक दिन मैं कुछ गरम लाने बोलूंगा, देखने के लिए कि आप लोग ब्लो करते हो कि नहीं। जैसे कि कार नहीं मिली। कौन सी कार चाहिए? ये वाली चाहिए। ओके, सब लोग बैठन इनके पीछे पड़े। यस, हियर इज योर कार। मेरी पग गई। सीखने की बात क्या है, पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग जब लेके चल रहे थे तो दिमाग में क्या आ रहा था, क्या सोच रहे थे बताओ जल्दी? ये गिर ना जाए और मेरे को कार ना मिले। गिर ना जाए तो निकाल के मैं ले लेता। नहीं नहीं, बाद में लेना, ऐसे नहीं करना। हाँ, और क्या, और क्या ख्याल आ रहा था बताओ बताओ? मैं आ रहा था। हाँ, क्या मैं कितना फास्ट चले? कितना फास्ट चले? ओके, आप क्या सोच रहे थे? सबसे फास्ट चल के दिखा। क्या कुछ भी नहीं सोच रहे थे? नहीं। और आप क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं। अच्छा बोलो मुझे, आप लोग वो टाइम पर आप घर में आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके बारे में सोच रहे थे वो टाइम पे, कि वो अभी क्या कर रहे होंगे, सोच रहे थे? हाँ, पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, स्कूल में टीचर क्या पूछने वाली, कल सुबह सोच रहे थे? नहीं। सोच रहे थे बताओ। हाँ, आप लोग बाहर के क्लाइमेट के बारे में सोच रहे थे, बाहर क्लाइमेट कैसा है, आज गर्मी है ठंडी है, सोच रहे थे? हाँ सोच रहे थे? नहीं, वो सब नहीं, सिर्फ जो भी सोच रहे थे सिर्फ इसके बारे में सोच रहे थे। हाँ। या तो खाली थे। हाँ, कुछ और नहीं सोच रहे थे, सही ना? हाँ। पता है आपको
एक मिस्टेक, और आज का हमारा इबादत का सेक्शन चल रहा है। लोग क्या है ना, नमाज पढ़ते हैं और सोचते रहते हैं दूसरी दूसरी चीजें। क्या सोचते हैं मालूम है? नमाज पढ़ रहे हैं, कल सुबह टीचर्स को जवाब देना है, होमवर्क नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, आज मुझे 1, 2, 3, 4, 5 काम करने हैं, और आज फैमिली मेंबर्स में भाई ने ऐसा कहा, बहन ने ऐसा कहा, अम्मी ने ऐसा कहा, अब्बा ने ऐसा कहा, फ्रेंड ने ऐसा कहा, दोस्त ने ऐसा कहा, ये सब सोचते हैं मालूम है आपको। सोचना सही है गलत है? क्या करना चाहिए उस टाइम पर? उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला के बारे में सोचना चाहिए, नमाज में ध्यान देना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं खुशू। क्या बोलते हैं? खुशू का मतलब है नमाज में जिस्म तो आपका है, नमाज पढ़ रहा है, लेकिन दिमाग आपका कहाँ है? दिमाग कहाँ होना चाहिए? दिमाग कहाँ होना चाहिए? नमाज में। लोग क्या करते हैं ना, जिस्म को, बॉडी को फ्री करते हैं, काम छोड़ देते हैं और जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग होता है कहाँ? दूसरी जगह पर। हाँ बच्चों, देखो आप लोगों को नमाज की इंपॉर्टेंस मालूम है ना? क्या इंपॉर्टेंस है? एक शख्स में और शिर्क और कुफ्र में दरमियान में एक चीज है, वो है नमाज। और जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज रोकती है बुरे कामों से और बेहयाई से। यस और नो? यस और नो? नमाज के अंदर ये सब अच्छाइयां हैं। यस? हाँ, लेकिन नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? ध्यान के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। ध्यान के साथ पढ़ना है। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मिसाल के तौर पर ये एक पेपर है, इसमें क्या लिखा है पढ़ो। T N A W T N A W देखो जल्दी क्या लिखा है, देखो T N A W समझो मैं बोलू? बोलो। WANT बिल्कुल सही, माशाल्लाह। इस बात के लिए आपको बिग स्टार मिलेगा। बिग स्टार यस। कौन सा पसंद है कलर? ये पसंद है, ब्लू। बिग स्टार, ये क्या लिखा है? WANT वांट। आगे उल्टा लिख रहा था। फिर TO2 GO TO GO TO JANNAT Yes. Want to go to Jannah. मैंने backwards लिखा है। अब देखो, अगर आप ये उल्टा पढ़ोगे, जैसे कि लिखा हुआ है सीधा, अगर आप सीधा पढ़ोगे, उल्टा नहीं पढ़ोगे तो समझ में आएगा? हाँ। नहीं समझ में आएगा? आपने उल्टा पढ़े तो समझ में आया ना? हाँ? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? आपको मिलेगा ये बिग स्टार। आपको कौन सा चाहिए? रेड चाहिए? नहीं, मेरे को किसी को भी रेड नहीं चाहिए। ओके, ब्लू स्टार। ब्लू स्टार जो स्टार चाहिए वो मिलेगा। यस, वेरी गुड, माशाल्लाह। और आपका ये पर्पल स्टार, माशाल्लाह। कितने सारे स्टार्स हो गए आपके पास? हाँ, वांट टू गो टू जन्ना। देखो, आपको पता है ये जब समझ में आया तो आपको कैसे समझ में आया? बात क्या है? बात क्या है, समझ में आ गई? यस, वांट टू गो टू जन्नत में जाने का है, हमें जन्नत में जाना है। लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो पढ़ने में अच्छा लगता? नहीं। समझे बगैर पढ़ने अच्छा लगता है युसरा? नहीं। क्यों समझना जरूरी है? समझेंगे तो अच्छा है ना? पता है आपको, लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में क्या पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है। नमाज में अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर का मतलब सबसे बड़ा है। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, तो अल्लाहु अकबर लोग समझते नहीं है। सुभान रब्बी अल अजीम का मतलब क्या है? सुभान रब्बिल अज़ीम का मतलब क्या है? पाक है अल्लाह जो सबसे ज्यादा अजमत वाला, ग्रेटनेस वाला। सुभान रब्बिल आला का मतलब क्या है? सुभान रब्बिल आला, पाक है अल्लाह जो सबसे ऊंचा है, हु इज द हाईएस्ट। हम लोग सजदे में जाते हैं, सर को नीचे रखते हैं और क्या कहते हैं? सुभान रब्बिल आला। मालूम है आपको कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आयत रिपीट करो, قد افلح المؤمنون قد افلح قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون। हां, الذين هم في صلاتهم خاشعون, वो मोमिन कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू रखते हैं। खुशू का मतलब जो ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोग ये रख के चल रहे थे तो ध्यान से चल रहे थे ना? ध्यान कहीं और था तो क्या होगा?
गिर जाएगा। ध्यान कहाँ होना चाहिए? यहाँ था ना आपका। आप नमाज पढ़ रहे तो ध्यान कहाँ होना चाहिए? नमाज पर ध्यान देंगे। क्यों? वो मोमिन कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, खुशू हासिल करते हैं, खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं। यस बेटा, तो नमाज में ध्यान के साथ पढ़ना है। ध्यान के साथ कैसे पढ़ सकते हैं? कौन मुझे बताएगा कैसे पढ़ सकते हैं ध्यान से? बताओ। ध्यान से नमाज पर ही ध्यान, दुआ अच्छे से पढ़ने का, सब सूरे वगैरह सब अच्छे से पढ़ने का, और सामने देखने का, नीचे देखने का, जहाँ सजदे की जगह पे देखना। ओके, वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। और कैसे खुशबू आ सकता है नमाज में? खुशबू कैसे मिल सकता है? यस बताओ। हम लोग सूरज अच्छे से पढ़ेंगे और सजदे की जगह पे ध्यान देंगे। वो तो सेम बात है। और बताओ। और तो हम लोग का ध्यान वहीं पे रहेगा क्योंकि हम लोग सूरज वो सब पढ़ रहे। ध्यान को कैसे कंट्रोल करें बताओ, आप लोग बताओ। जैसे आपने ध्यान कंट्रोल किए ना, सक्सेसफुल हुए ना। कार का स्टिकर है ना यहाँ पे सबके, क्या पता चला आप लोगों ने ध्यान दिया इसलिए मैंने कार का स्टिकर दिया, क्योंकि कार चलाने के लिए ध्यान चाहिए, कार चलाने के लिए ध्यान चाहिए, इसलिए कार का स्टिकर दिया मैंने। ओके बताओ। यस, और कैसे आ सकता है खुशबू, और कैसे ध्यान ला सकते हैं बताओ? और जो काम कर रहे हैं नमाज में उसके ऊपर भी ध्यान देना। यस, जो कर रहे हैं उसके तरफ ही ध्यान देना चाहिए। अगर नमाज पढ़ेंगे तो ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए आगे। तो हम ये देखते हैं कि नमाज में ध्यान देना है। मैं कुछ बात कह रहा था जब ये लिख के बताया, क्या बात थी मालूम है? समझना, टू अंडरस्टैंड। अगर समझ में ना आए ना तो दिल नहीं लगता है, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पता है आपको, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालमू, जान लो अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन। अल्लाह वैसी दुआ नहीं सुनता जिसमें दिल गफलत में हो। मतलब दुआ में हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जो दुआ हम करते हैं उसमें दिल लगा हुआ होना चाहिए। मतलब नमाज में दिल लगना चाहिए। अल्लाह ताला उस दुआ को नहीं सुनता जिसमें दिल नहीं लगा हुआ होता है। मतलब सिर्फ जुबान कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और रहमान रहीम, दिल ने कहा कि नहीं कहा? मालिक यौमिद्दीन, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? हाँ, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। फिर हम जब कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे सीधे रास्ते की, क्या तर्जुमा है? अल्लाह मुझे हिदायत दे दे सीधे रास्ते की। अच्छा, ये जो हिदायत मांग रहे हैं हम, गाइडेंस मांग रहे हैं, सही रास्ता समझ में आए, हाँ सही रास्ते पे चलें, ये जो गाइडेंस है वो सिर्फ जुबान मांगेगी या दिल भी मांगेगा? दिल भी मांगेगा। तो दिल कैसे मांगेगा अगर समझ में ही नहीं आएगा? तो अगर दिल को समझ में ही नहीं आया तो कैसे मांगेगा दिल? समझ में आना जरूरी है कि नहीं है? है। अभी आप लोग होमवर्क कबूल करो, होमवर्क। नमाज में जो पढ़ते हैं उसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए। नमाज में जो पढ़ते हैं उसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए। कैसे मालूम करेंगे? एक बार सीख लो, एक बार याद कर लो। आप लोग स्कूल की तो इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो, थोड़ा सा नमाज में क्या मीनिंग है, अल्लाह अकबर की क्या मीनिंग है, सुभान रब्बिल आला की क्या मीनिंग है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की क्या मीनिंग है, एक बार याद कर लो इंशाल्लाह। एक बार याद करेंगे तो जब नमाज पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? दिल से पढ़ेंगे। ओके इंशाल्लाह। तो यही है कामयाब मोमिन की खूबी। कामयाब मोमिन की क्या खूबी है? कद अफलहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, खुशू हासिल करते हैं, खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। अब ये देखो दो बॉयज की कहानी, पता है आपको क्या होता है? सुनो, दो बॉयज गए नमाज पढ़ने के लिए। एक ने नमाज तो पढ़ा और ध्यान से पढ़े, और दूसरे ने नमाज तो पढ़े लेकिन क्या पढ़े उनको मालूम ही नहीं है मैं क्या पढ़ा। हाँ, तो दोनों सेम है के डिफरेंट है? डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? दोनों ने नमाज पढ़े, इन्होंने कुछ ज्यादा रकात नहीं पढ़े। ओके, अच्छा क्या फायदा होता है ध्यान लगा के, कौन बताएगा? ध्यान लगा के क्या फायदा होता है? ये ध्यान लगा के पढ़ते तो ही नमाज कबूल होती है, नहीं पढ़ते ध्यान लगा के तो नहीं होती है। हो सकता है ना कबूल हो, हो सकता है ना कबूल हो। यस, और क्या फायदा है? और हाँ, यस, ध्यान लगाने का और क्या फायदा है, कौन बताएगा?
اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھائی دیتے ہیں، اللہ کے پاس کیا قبول ہوتی ہے؟ صرف زبان کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا دل سے بول رہے ہیں تو قبول ہوتا ہے؟ یس، اللہ تعالیٰ کے پاس صرف، ہاں اور کیا ملے گا؟ قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے یعنی جنت جائیں گے، وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں. کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ صرف باڈی نماز پڑھتی ہے ان کی؟ صرف باڈی باڈی باڈی، یا باڈی کے ساتھ دل سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یس ان شاء اللہ. تو آپ لوگ ایک کون سے بوائے کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ جو دھیان سے پڑھ رہے ہیں یا جو صرف باڈی سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اچھا معلوم ہے ایک تھرڈ ٹائپ بھی ہے، تھرڈ ٹائپ ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہے. تینوں میں سے کون سے بننا چاہتے ہیں آپ؟ اور بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب. تو کیسے حاصل کریں گے؟ نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کی میننگ یاد کریں، کریں گے ان شاء اللہ. کتنی بار یاد کرنا ہے؟ ایک بار. اور نماز کتنی بار پڑھنا ہے؟ زندگی بھر. ابھی سے یاد کر لو، ہر نماز میں تھوڑا دھیان زیادہ لگنے لگے گا ان شاء اللہ. جب بھی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو اور یاد کریں گے ان شاء اللہ. چلیے اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیکشن ختم ہوتا ہے، ہم اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سیکشن وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہم نے اب تک یاد کیے ہیں؟ ریپیٹ. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزیز. ہمیں کتنے نام یاد کرنے ہیں انشاءاللہ؟ 99. انشاءاللہ آج ہم دو اور یاد کریں گے، اور جو دو نام آج ہم یاد کر رہے ہیں، ہم لوگ صرف یاد نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں میننگ انشاءاللہ. میننگ آپ کو ریوائز بھی کرنی ہے انشاءاللہ، جتنے یاد کی اس کو بھولنا بھی نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں تو ابھی ہم دو نام یاد کر رہے ہیں، اور یہ دونوں نام ہے الجبار، الجبار اور المتکبر. ہاں الجبار، المتکبر. الجبار کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ الجبار، الجبار جبر سے آتا ہے، مطلب کہ زبردست طاقت والا. ہاں مطلب اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی. اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی بھی مرضی نہیں چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم ہو، اللہ کی مرضی ہو، کوئی اس چیز کو ہونے سے روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ روکنا چاہے کوئی اس چیز کو کر نہیں سکتا. اللہ کے حکم ہے، کوئی نافرمانی کرے لوگوں کو کیا لگتا ہے معلوم ہے؟ کیا لگتا ہے سنو، لوگوں کا لگتا ہے کہ اللہ کے حکم ہے، ہم لوگ نافرمانی کریں گے کچھ نہیں ہوگا، ایسا لگتا ہے ان کو. ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بچ کے کچھ راستہ نکال لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑ سکے گا، اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہیں کر سکے گا. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ ان کی بات رانگ ہے. کیوں رانگ ہے معلوم ہے؟ ایگزام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دیا، چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے تو انکار کرنے والے بنو، چاہے تو اچھے کام کرو، چاہے تو برے کام کرو. ایگزام کے اندر آپ نے ایگزام میں بیٹھے ہیں، سلیکٹ دا رائٹ آنسر ہوتا ہے نا، صحیح جواب لکھو چنو. اس کے اندر غلط جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ہوتا ہے؟ سلیکٹ دا رائٹ آنسر میں غلط جواب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. کس نے ڈالا وہاں پہ وہ غلط جواب؟ نہیں ہوتا ہے. سلیکٹ دا رائٹ آنسر، چار آنسر دیے ہیں، صحیح جواب چنو. ہاں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک آنسر صحیح ہوتا ہے کہ چار صحیح ہوتے ہیں؟ ایک صحیح ہوتا ہے. اور تین کیا ہوتے ہیں؟ وہ غلط آنسر آئے کہاں سے؟ آئے کہاں سے؟ ٹیچر نے ڈالے؟ جان بوجھ کے ڈالے کہ بائی مسٹیک ڈالے؟ بائی مسٹیک ڈالے. جان بوجھ کے ڈالے. ٹیچر نے بائی مسٹیک ڈال دی تین. ٹیچر کی غلطی ہو گئی؟ نہیں. پھر جان بوجھ کے ڈالے. آپ ایکسپلین کرو ان کو. ایگزام میں ٹیچر بائی مسٹیک ڈالیں گے؟ نہیں نا. تو یہ جو چار آپشن ہے نا، اس میں سے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ آپ کو صحیح آنسر معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. ٹیچر کیا کر رہے ہیں؟ چیک کر رہے ہیں کہ آپ کو صحیح جواب معلوم ہے یا نہیں معلوم. یہ تین رانگ آنسر وہاں کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم چیٹنگ نہ کر سکے، تاکہ چیک کرنے کے لیے آپ کو صحیح معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. صحیح ایسا دیکھے نہیں ہو آپ نے اسکول میں؟ ریڈنگ کرتے فرسٹ ورڈ دیکھتے صحیح ہے تو ان لوگ سمجھتے سب صحیح ہے، چلو سب پہ ریڈ نہیں کرتے، سب پہ رائٹ رائٹ لگا دیتے. نہیں نہیں، سلیکٹ دا رائٹ آنسر میں ایک آنسر صحیح ہوتا ہے اور باقی آنسرز غلط ہوتے ہیں. کیوں ڈالے گئے ہیں؟ جان بوجھ کے ڈالے گئے ہیں. کیوں ڈالے گئے ہیں؟ چیک کرنے کے لیے. کیا یہ پڑھائی کرتے ہیں کہ پڑھ کے آئے ہیں کہ نہیں پڑھ کے آئے؟ سمجھ رہے ہیں آپ پوروا؟
हाँ, अब देखो दुनिया में ना सही रास्ता भी है और गलत रास्ते भी है। आपको सही जवाब सिलेक्ट द राइट आंसर करना है, और अल्लाह की मर्जी अगर नहीं मानोगे तो उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा करेंगे तो भी मिलेगा, गलत करेंगे तो भी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह के नामों में क्या नाम हमने देखा? अल जब्बार। अल जब्बार याद रहेगा इंशाल्लाह, जिंदगी में याद रखेंगे। अल जब्बार के हुक्म को तोड़ेंगे? अल जब्बार के हुक्म को तोड़ेंगे नहीं, और तोड़ेंगे तो पछताएंगे, इसलिए तोड़ना नहीं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना। ओके इंशाल्लाह। ओके, दूसरा नाम जो आज हम याद कर रहे हैं वो है अल मुतकब्बिर। अल मुतकब्बिर का मतलब है बड़ाई वाला। हाँ, बड़ाई वाला, क्योंकि इंसानों में ना बहुत से इंसान होते हैं ना अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन है वो बड़े नहीं। बड़े हैं नहीं है? नहीं। क्यों बड़े नहीं है? क्योंकि उनके पास जो है किसका दिया हुआ है? अल्लाह खुद का दिया हुआ है? नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। तो बड़ाई किसकी? देने वाले की कि लेने वाले की? देने वाले की। देने वाले की बड़ाई ना, लेने वाले की बड़ाई? लेने वाले की कोई बड़ाई नहीं, देने वाले की बड़ाई। हाँ, देने वाला कौन है? अल्लाह है। हाँ बेटा याद रखेंगे, बड़ाई वाला कौन है? अल्लाह। अल मुतकब्बिर कौन है? अल्लाह। इंसान जब तकब्बुर और घमंड करते हैं ना, हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास इज्जत है, मैं बहुत इज्जत वाला हूँ, बड़ा हूँ, तो ये सही गलत है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि उनके पास कुछ अल्लाह ताला ने दिया उनको। तो बड़ाई वाला कौन है? अल्लाह। बड़ाई वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह। इंसानों में क्या होता है ना, जो भी है ना तुम्हारे पास है, उसके सामने कोई और है जिसके पास उसका कुछ और है, तोड़ है। इंसानों में रियली बड़ाई किसी की नहीं, बड़ाई किसकी? अल्लाह। मिसाल के तौर पर आपको पता है वो गेम है रॉक पेपर सिजर? हाँ। पता है? हाँ। अब अगर कोई कहे मैं रॉक हूं, मेरे पास रॉक है, तो रॉक के सामने क्या है जो रॉक को डिफीट कर सकता है? पेपर। अगर पेपर आ गया तो रॉक हार जाएगा? हार जाएगा। लेकिन पेपर बोले मैं पेपर हूं, तो पेपर के सामने क्या है? कैंची। सीजर। अगर सीजर आ जाए तो पेपर कट जाएगा। और सीजर बोले मैं सीजर हूं, तो रॉक उठ जाएगा। तो रॉक बोलेगा रॉक सीजर को तोड़ दे, तोड़ सकते। चलो रॉक, रॉक पेपर सीजर, सिर्फ आप पेपर हो, बाकी चार सीजर्स है। आउट। तो हम लोग क्या देखते हैं, दुनिया के अंदर चीजें जो होती है ना, वो चीजें ऐसी ही होती, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं, याद रखेंगे। तो चलो सब के सब नाम अभी रिवाइज करते हैं। अर रहमान, अर रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने नाम याद हो गए? कहाँ तक याद करने हैं इंशाल्लाह? सिर्फ याद करने या समझना भी है? समझना भी है। सिर्फ याद करना और समझना है, अमल भी करना है? अमल भी करना है। याद रखे उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी इंशाल्लाह। चलो आखिरी सेक्शन हमारा वो है तज़किया, जिसके अंदर हम अपने आप को प्योरीफाई करके, पाक करके, इस्लाम पर अमल करने के लिए तैयार करने, आगे बढ़ने की हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। मैं आज आपको एक आयत कुरान की सुनाना चाहता हूँ। सूरह सजदा में है, सूरह नंबर 32 आयत नंबर 17, अल्लाह ताला ने फरमाया फला तालमु नफ्सुन, किसी भी नफ्स को पता नहीं है, मा उख्फिया लहू मिन कुर्रति आयुनिन, जो आंखों की ठंडक की चीज़ें अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखी है। कहाँ पर? आंखों में। आंखों की ठंडक की चीजें अल्लाह ने तैयार कर रखी है कहां पर? जन्नत। वेरी गुड। जन्नत में जो प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल खूबसूरत अच्छी चीजें जो अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी है, वो चीजें किसी को पता नहीं है कितनी अच्छी है। फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाम बिमा कानू यामलून, ये है बदला, जजा, जो वो करते थे उसका, जो करते थे उसका ये
बदला है। हम लोग दुनिया में करते हैं, अगर हम अच्छे काम करेंगे उसका बदला मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। अगर आप अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल करके सही रास्ते पर चलोगे, सही रास्ता चुनोगे, गलत रास्ते को छोड़ोगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने जो चीज़ तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है किसी ने देखा नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी खूबसूरत सी जन्नत है, इतनी ब्यूटीफुल जन्नत है। आपने कोई अच्छी सी सीनरी देखी है? कोई अच्छी सीनरी देखी दुनिया की? बहुत अच्छी सीनरी किसने देखी है दुनिया में? होती है सीनरी, फोटो देखी है कोई अच्छी फोटो? माउंटेन्स, हाँ माउंटेन्स, रिवर, जंगल देखे वो सब? ब्यूटीफुल लगा कुछ देख कर? हाँ। वो जो ब्यूटी है ना वो कुछ नहीं है। जन्नत इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी है, इतनी सारी प्यारी प्यारी चीजें जन्नत में है, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें तैयार है वहां पर। और लेकिन वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे काम करना होगा। पहचान से नहीं पहुंच सकते वहां। जज़ाम बिमा कानू यामलून, जज़ाम बिमा कानू यामलून, जो करते थे उसका बदला है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, और नहीं करेंगे तो जैसे काम होंगे वैसा ही मिलने वाला है ना। हाँ, अच्छा करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो सजा। तो बच्चों ये एक अच्छी सी बात थी, इस बात को याद रखना। घमंड और तकब्बुर, तकब्बुर करेंगे मैं बहुत बड़ा, करेंगे नहीं? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा कुछ होता तो हम करते, अल्लाह को नहीं पसंद है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत नहीं जाएगा। जिसके दिल में थोड़ा सा भी क्या है? तकब्बुर है, थोड़ा भी है तो जन्नत नहीं जाएगी। किसी के दिल में अगर तकब्बुर है तो क्या होगा उसका मामला? घमंड है ना, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। हाँ, तो क्या होगा? अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। तो बच्चों ये सब बातें याद रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको निकी के रास्ते पर आगे से आगे बढ़ने, लोगों की मदद करने, लोगों को हेल्प करने, लोगों को इनसाइट करने, लोगों की मदद करने, घमंड से बचने, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हमारे दिल में तकब्बुर घमंड नहीं हो, और ताकि हमें वो जगह मिल जाए जो असल कामयाबी है, वो है जन्नत। वहाँ पहुँचे तो है असल कामयाबी। देखते रहिए प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम, कलर्स ऑफ इस्लाम। जज़ाकल्लाह खैर, वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।